तो चलिए आज बनाते हैं पालक की दाल। तो उसके लिए मैंने ले लिए पालक के दो बंच, उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसे धो लिया है, पानी निकाल दिया उसका एक्स्ट्रा। अब उसे डाल देंगे एक पतीले में, एक कप उसमें तुअर की दाल डाल देंगे, 7 से 8 हरी मिर्ची ले लेंगे, उसे टुकड़े करके उसे भी डाल देंगे। इसमें मूंग की दाल भी डालनी है, पर वो हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे जब ये आधा पक जाएगा। फिर उसमें 1 से 1.5 लोटा पानी डालना है। अब इसे चढ़ा देना है गैस पर, ये देखिए इसे ढककर पकाना है बॉईल आने तक, मीडियम गैस पर पकाना है हमें। ये देखिए इसे बॉईल आ रहा है, अभी हम ढक्कन हटा देंगे। अब हम इसे ऐसे ही पकाएंगे मीडियम लो गैस पर, अच्छे से पकने देंगे इसे। हमने इसमें मूंग की दाल भी आधा कप डाल दी है अभी, ये देखिए। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते, ये इस तरीके से पक गई है अभी। और 5 से 10 मिनट पकाने के बाद हम इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। पालक और दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल। इन दोनों को अच्छे से मैश करना है अभी, इस तरीके से मैशर की मदद से या चम्मच से आप कर सकते हैं। ज़्यादा हमें मैश नहीं करना है, हल्का हल्का करना है, इस तरीके से ही करना है बिल्कुल। देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब ले लेंगे पतीला, उसमें डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल, बारीक कटा हुआ लहसुन, हमें पका देना है इसलिए। ज़्यादा इसमें कुछ सामान भी नहीं लगता है, थोड़ा ही सामान लगता है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए तेल में मैंने इसे बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है, ये थोड़ा गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जान डालना है इसमें। डाल दिया मैंने जीरा अंदर, लहसुन हमारा जीरा अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पालक, हमारी पालक और दाल मैश की हुई, और इसका जो छानने के बाद पानी निकला था वो पहले थोड़ा डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसे। ये देखिए इसी तरीके से बचा हुआ भी पानी हम डाल देंगे पूरा। ये मुझे गाढ़ी लग रही है थोड़ी, तो मैं और थोड़ा पानी ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए बस इतना ही ऐड करूँगी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं गाढ़ा या पतला। ये देखिए अब इसमें बॉईल उबाल आ रहा है, इसमें डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब हम इसे इसी मीडियम गैस पे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। अच्छे से पक रही है ये, अच्छे से उबाल आ रहा है इसे। ये देखिए ये अच्छे से पक रही है अभी, आप ज़रूर से इसे ट्राई करिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, और बहुत ही इजी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगने वाला है इसमें। ये देखिए हमारी पालक दाल तैयार।
गई है। आप ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। मुझे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो मज़े करो।